आज की रेसिपी डिफरेंट है लेकिन अमेजिंग है। एक बार जरूर बना कर देखना। जब तक आप बनाओगे नहीं इसका टेस्ट का पता नहीं चलेगा। एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा इसका, गारंटी है। एक बार जरूर बना कर देखना। थोड़ी सी डिफरेंट है बनाने का भी और इसका टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। तो चलिए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम मार्केट से लौकी लेते हैं। जो लौकी हम लेंगे बड़ी साइज़ की भी आती है, छोटी साइज़ की। बड़ी साइज़ में क्या होता है कि सीड्स होते हैं जो टेस्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम छोटी लौकी लेंगे और इसके सारे छिलके हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लौकी को वॉश कर लेते हैं और इसके छिलके हटा देंगे। जितने ग्रीन पार्ट्स है इसके हटा देने हैं। जब हम छिलके हटाएंगे तो इसको अच्छी तरह से, एक बार जब हम इसको छिलके हटाएंगे तो जो ग्रीन पार्ट्स अगर नज़र आता है हल्का फिर भी, तो उसको दोबारा हम छील करके इसको हम हटा देंगे। यानी कि वाइट पार्ट हमें नज़र आना चाहिए। इस तरह से छिलके हटा दिया है हमने। अब इसके हम पीसेस करने वाले हैं, तो इसको क्या करेंगे इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेते हैं। आप जैसा देख रहे हैं एकदम छोटी वाली लौकी है और इसमें सीड्स एकदम नहीं है, सीड्स है हल्की है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और इसका टेस्ट अलग आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये रेसिपी। अब हम एक जार लेंगे और इसमें सारे लौकी जितने हमने छील करके कट किए हैं इसमें डाल देंगे और थोड़े से पानी डाल करके इसको महीन एकदम ग्राइंड कर लेना है, एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, अच्छी तरह से एकदम पिस जाना चाहिए, कोई भी पीसेस नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक पॉट में, बड़े बर्तन में हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें मैंने एक कटोरी बड़ी कटोरी से राइस फ्लोर ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बैटर जो तैयार हो रहा था वो थोड़ी गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इस तरह से अच्छी तरह से चला करके हम बैटर को स्मूथ कर देते हैं। अब मैंने एक पॉट लिया है जो कि स्टीम करना है हमें, तो इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब हम उस बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे सेट करके अब इसे स्टीम करके पका लेना है। 5 से 10 मिनट में ये अच्छी तरह से स्टीम होके पक जाती है। तो मैंने पॉट में पानी रख दिया है, स्टैंड लगा दिया है, गैस ऑन करके इसको हम ढक करके 5 से 7 मिनट तक इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद इस तरह से हमारा ये पक करके रेडी हो जाता है बैटर, और ये इस तरह से हम इसको पीसेस में कर देंगे। एक एक करके पीस साइड अलग कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेते हैं या कढ़ाई, दोनों में से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। अब इसमें मैंने आधे चम्मच नमक ऐड किया है, तेल को स्मोकी गरम करके उसमें आधे चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब हम जो पकाए हुए हैं चावल का जो बैटर से बनाया है इसके पीसेस किए हैं, इसको हमें फ्राई करनी है।
सारे पीसेस डाल करके हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने वक्त कंटिन्यू इसको हम चलाएंगे, जिससे क्या होता है उलट पलट कर देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं हो एक साइड से, नॉर्मली दोनों साइड से ये सेम ब्राउन हो। तो इसे हमें फ्राई कर लेना है, हल्की ब्राउन होने तक ही इसको हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे। इस तरह से ये देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है, अब ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इसको ऑयल से हम साइड कर लेते हैं। अब हम दोबारा पैन रखेंगे और उसमें जो हमारा बचा हुआ ऑयल था उसमें चॉप किया हुआ अनियन डाल देंगे। अनियन को ज़्यादा ब्राउन होने तक हमें पकाना नहीं है, सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस जैसे कि दालचीनी हो गया, साबुत और साबुत हरी वाली इलायची, ये मसाले डाल देते हैं, लौंग। और कुछ पीसेस मैंने इसमें काजू का डाल दिया है, 7 से 8 पीसेस। आप अगर आप ज़्यादा चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेवी थिक, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैंने एक जार लिया है, तो जार में मैंने प्याज को डाल दिया है, इसके साथ मैंने किशमिश, मगज़ और जो वाइट सेसम होती है सेसमे, ये ले लिया है 2-2 चम्मच, और इसमें ट्रांसफ़र करके ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन ले लेते हैं, अब इसमें मैंने जीरे का तड़का दे दिया है। जीरा स्प्लिटर हो गया है। अब इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था प्याज वाला, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं स्मूथ एकदम हमारा पेस्ट तैयार हुआ है प्याज का। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें काजू है, मगज़, ये सारे जो भी हमने लिए हैं मसाले वो चिपकते हैं, तो इसको कंटिन्यू हमें चला करके इसको भूनना होता है। तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और कंटिन्यू इसे चलाते हुए भुनेंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, 1-1 चम्मच क्वांटिटी मैंने लिया है, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, एक चम्मच सौंफ का पाउडर है, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो जो तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्च को भी चॉप करके डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं उसमें थोड़ी मिठास ज़्यादा है, तो इसमें हम आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। ऐसे तो ये जो मसाला हम लोग तैयार करते हैं थोड़ी सी मिठास भी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स है। अब इसमें हमने 1/2 चम्मच हींग का डाल दिया है पाउडर। मसालों का कलर आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, यानी कि मसाले हमारे करीब करीब भून चुके हैं। अब मैंने ये टमाटर का प्यूरी तैयार किया है, इसमें 2-3 कलियाँ लहसुन ग्राइंड करके, टमाटर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ऑयल में पका दिया है। ये हम स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि लहसुन का जो स्मेल आता है वो नहीं आएगा डायरेक्ट, इसमें हम बना करके कुक करके, और जो टमाटर का टेस्ट आता है वो भी खट्टापन कम आएगा, क्योंकि ये जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी मिठास चाहिए, क्रीमी टेक्सचर चाहिए, तो इसी कारण से हम लोग प्रिपेयर टमाटर का ये प्यूरी डालते हैं। और इसे हम स्टोर करके 12 महीने रख सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि टमाटर का कॉस्ट भी हाई तक चला जाता है। अब हम इसमें धनिए का चॉप किया हुआ बारीक एकदम डाल सकते हैं,
तो मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता। अभी मसालों का कलर एकदम परफेक्ट आ गया है और थोड़ा ये चिपक भी रहा है क्योंकि क्वांटिटी जो है ड्राई फ्रूट्स की ज़्यादा है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। मैंने एक कटोरी इसमें फ्रेश मलाई डाल दिया है दूध के साथ। इससे मसाले का जो टेस्ट आता है वो डिफर हो जाता है। मुंह में डालते ही जिस तरह से हम लोग कोफ्ते तैयार करते हैं तो घुल जाते हैं, उसी तरह से हम जब ये डालेंगे तो ये क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। इसीलिए मैं ऑलवेज ट्राई करती हूँ, प्रिफर करती हूँ फ्रेश मलाई का। लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला हाफ स्पून, स्वाद के अनुसार नमक। मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं पक करके। थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमें इसमें ऐड किया है चाट मसाला। अब हम जो पीसेस फ्राई किए हैं लौकी वाला, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। फाइनली हमारा मसाला एकदम तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पीसेस डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके ज़्यादा देने, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पक चुकी है, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर। थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ी देर हम इसे 2 से 3 मिनट मसालों के साथ पकाएंगे। ये फाइनली हमारा तैयार हो गया है। इसकी ग्रेवी ऐसे ही थिक होती है इसलिए इसमें हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से एक लौकी से, यानी कि 1 किलो लौकी से पनीर की तरह सब्जी जो हमारी है ये एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी तैयार हो जाएगी। देख रहे हैं आप कितना लजीज है ये टेस्टी हमारा रेसिपी। तो इतनी कभी कभी क्या होता है, इतनी महंगी होती है पनीर तो उसके बदले हम इसे यूज कर सकते हैं। टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब आएगा, ज़बरदस्त का टेस्ट आएगा। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करना और ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये रेसिपी। ये माउथ वाटरिंग रेसिपी है, गारंटी है सभी को पसंद आएगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से आपको ये रेसिपी आपने बनाया है या नहीं बनाया है और कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं गरम गरम इसको सर्व करते हैं, नान हो या पराठा हो या स्टफ पराठा हो किसी भी चीज़ के साथ ये बेस्ट है।